हेलो स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के बारे में। अगर आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है या वेट कर रहे हो 2021 के फॉर्म के लिए, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए यूजीसी नेट के लिए, रिजर्वेशन कितना आपको मिलता है, क्या वाकई में आप रिजर्वेशन ले सकते हो। कई बार हमें रिजर्वेशन मिलता है बट हमें अनअवेयरनेस की वजह से हम ले ही नहीं पाते। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ये भी समझेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे और आपको रिलैक्सेशन कितनी मिलती है एज लिमिट में ये भी समझेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा ये भी समझेंगे और फीस कितनी होती है ये भी हम जानेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूजीसी के वेबसाइट से ये सारे मैंने उठाए हुए हैं 2021 के, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि यूजीसी क्या होता है। सो यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड देयर इज वन एक्रोनिम दैट इज एपी। एपी स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो ये जानते हैं एग्जामिनेशन कब होगा। वैसे तो यूजीसी नेट हर साल एग्जाम को दो बार हेल्ड करती है, साल भर में दो बार होता है। पहला तो जून के महीने में होता है, दूसरा दिसंबर के महीने में होता है। लेकिन लास्ट ईयर 2020 में कोरोना की वजह से उनका जो साइकिल था नॉर्मल साइकिल दिसंबर वाला, वो डिस्टर्ब हो जाने की वजह से उन्होंने फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। मतलब दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम फरवरी में नोटिफिकेशन आई और ये हुआ कि मई में एग्ज़ाम होगा, बट उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। आज 5 जुलाई है और अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, एडमिट कार्ड नहीं आया है। हालांकि बीच में एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर आया था कि मई में एग्ज़ामिनेशन होगा, उनकी वेबसाइट पे भी अपलोड हुआ था बट हो नहीं पाया था। सो अभी हम ही नहीं कह सकते कि जो नॉर्मल साइकिल के अकॉर्डिंग जून वाला जो एग्ज़ाम होता है वो अभी कभी होगा, बट चलिए आपके लिए एक अच्छी बात है, थोड़ा सबको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल गया है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर यू गाइज। सो नेक्स्ट वन इज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो और या जनरल EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी में आप आते हो, तो 55% आपको मास्टर्स में होने चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% होने चाहिए। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो या SC कैटेगरी में आते हो या ST कैटेगरी में आते हो या PWD कैटेगरी में आते हो या थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हो, तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। थर्ड वन इज़ कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा है, फाइनल ईयर में है, तो वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकता है। अपीयरिंग वाला वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना होगा, बट उसका जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, वो 55% होना चाहिए। तो इसका एक तरीका है, आप देख लो कि अभी तक आपके कितने परसेंटेज बने हुए हैं। अगर 55% बने हुए हैं या 2-3% कम है, आपको लगता है कि आपका इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, आप कवर कर लोगे, 55% हो जाएगा, तो ही आप वो फॉर्म भरो। क्योंकि फिर अगर आप फॉर्म भर दोगे आपका 55% नहीं आएगा तो आपका वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लो, अपने मार्क्स को, परसेंटेज को निकाल लो। चौथा है कि अगर आप थर्ड जेंडर कैटेगरी में फॉलोअप करते हो, बिलोंग करते हो थर्ड जेंडर कैटेगरी से, तो वो सारे आपके ऊपर में फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वाला जो भी नियम लागू होता है, वो SC ST और PW कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। साथ में आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो SC ST PWD और OBC NCL जनरल EWS कैटेगरी से कम ही कट ऑफ आपकी बनेगी, लोएस्ट होगा, आपकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ होगी इनके कंपेयर में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्टूडेंट्स PhD डिग्री होल्डर्स हैं और जिन्होंने मास्टर लेवल के एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया है 19 सितंबर 1991 में, तो उनको 5% का एग्रीगेट उनको छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा फर्दर एग्रीगेट मार्क्स में, मतलब टोटल ओवरऑल मार्क्स में पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके एग्रीगेट जो मार्किंग होगी उनमें उनको 5% का यहाँ पे छूट मिलेगा। सो ये एक अच्छा साइन है। आप देख लो कि आपने PhD डिग्री होल्डर हो या नहीं हो, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम की। सो मोड ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिस्टम के सामने बैठ करके चार ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन पे टिक लगाना रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो दो पेपर होगा, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन दो नंबर का होने की वजह से तकरीबन 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर टू में 100 क्वेश्चन रहेंगे और दो नंबर के हर एक क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। पेपर वन सबके लिए कंपलसरी होगा और इसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के सवाल पूछने जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के सवाल पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के बारे में भी पूछा जाएगा। ये सबके लिए कंपलसरी होगा। पेपर नंबर टू आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा, जो आप सब्जेक्ट को चूज करोगे, जो भी विषय आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपसे पेपर नंबर टू में पूछा जाएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, लगभग 180 मिनट, कोई भी ब्रेक नहीं होगा पेपर वन और पेपर टू के बीच में। तो ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो अगर आप जेआरएफ का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी जो एज है वो 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस भी दिन का मतलब जिस भी डेट को एग्जामिनेशन होने वाला है, जो भी डेट आई हुई है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी जो ईयर एज होनी चाहिए वो 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। जैसे कि अगर आप ओबीसी हो तो आपको 5 साल तक का लगभग छूट दिया जाता है, लेकिन आपको वो दिखाना पड़ेगा, अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एससी और एसटी वालों को, पीडब्ल्यूडी वालों को भी इसमें लगभग 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने रिसर्च जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उनको रिसर्च का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में, तो उनको भी मैक्सिमम फाइव ईयर्स का उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देख लेना। अगर आपने LLM की डिग्री ली हुई है तो वहाँ पे आपको लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। 3 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसेबल टू दी कैंडिडेट्स विद LLM डिग्री, यहाँ पे आप ये देख लेना। साथ ही अगर आपने आर्मी फोर्सेस में आपने ज्वाइन किया है या वहाँ का एक्सपीरियंस है आपको, वहाँ पे आप सर्व कर रहे हो, तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन वहाँ भी मिलेगा। सो ये कुछ रिलैक्सेशन वाले हैं पॉइंट्स, आपको इस पे गौर करना होगा। अगर आप इन सारी कैटेगरी में फॉलोइंग अप होते हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर इसको फिर से पढ़ लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन अगर एससी वाले स्टूडेंट हैं तो उनको 15% उनके लिए सीट रिजर्व है। अगर एसटी के स्टूडेंट हैं तो 7.5%, लगभग 7.5% उनके लिए सीट रिजर्व है। ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 27% की जो सीट है वो रिजर्वड है। EWS जनरल में एक सेक्शन होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% की सीट रिजर्वड है। PWD वालों के लिए 4% की सीट रिजर्वड है, लेकिन उनका जो डिसेबिलिटी है वो 40% या 40% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन वाली पॉइंट आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जानकारी के अभाव में ये आपसे छूट भी सकता है। फीस की बात करते हैं, जनरल स्टूडेंट अगर आप हो तो 1000 आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो 500 रुपये की फ़ीस है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों की फ़ीस और थर्ड जेंडर वालों की फ़ीस 250 रुपये है। तो ये फ़ीस आप देख लेना कि आपको फ़ीस इसके ही हिसाब से देना पड़ेगा। इसके अलावा 2-4-5 रुपये आप जिस भी बैंक से पेमेंट करते हो वो आपके कटते हैं, तो उनका इससे कोई भी मतलब नहीं है। मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, हर सही जवाब पे आपको 2 नंबर अलॉट करे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, तो आपको सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ आप जो सवाल छोड़ दोगे उस पे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है या एम्बिगियस है, संदेहास्पद है, तो आप जब की चैलेंज करोगे, मतलब जब उनके आंसर की निकल के आएंगे, तो उन सवालों के लिए अगर आप उनको चैलेंज करोगे और बताओगे कि इसमें आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत हुई है या सही जो ऑप्शन है वो आपने दिया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने वहाँ पे कुछ भी टिक लगाया हुआ है तो आपको वहाँ पे क्रेडिट मार्क रिवॉर्ड किया जाएगा। जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए हुए हैं उनका आपको नहीं मिलेगा, जिन्होंने किया हुआ है उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। अगर टेक्निकल एरर की वजह से आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो गया हुआ है तो वहाँ भी आपको फुल मार्क्स अलॉट किया जाएगा। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको वाकई में पता होने चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, आपको एक एक नंबर पर ही काम करना है। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर
के कैंडिडेट हो और आप अपीयर आपने इनके लिए किया हुआ है, तो फिर दोनों पेपर में मिला करके 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। 40% एग्रीगेट मार्क्स माने पेपर वन और पेपर टू मिला करके आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 40% होने चाहिए मिनिमम। अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर की कैटेगरी में फॉलन अप होते हो तो 35% एग्रीगेट मार्किंग आपकी होनी चाहिए, ये मिनिमम है। बाकी तो मेरिट के हिसाब से जाएगा, मतलब ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको यूजीसी नेट की बेसिक्स के बारे में काम करना होगा, एक एक नंबर किस तरीके से चुराना होगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप ज्ञानेडा की लिस्ट में चले जाओगे तो वहां पे कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआर कोड नंबर 07 एंड 55 एंड कोड नंबर 17, ये है कॉमर्स का कोड, ये है एचआर का कोड और ये है मैनेजमेंट का कोड। इन सब से रिलेटेड आपको वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।